की ज़रूरत उन्हें होती है जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। सीढ़ियों की ज़रूरत उन्हें होती है जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, मुझे मेरा रास्ता खुद बनाना है। क्या बात है। स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम धरती धोरारी में। मैं हूँ आपके साथ विचार व्यास। मैं हूँ आपके साथ अनामिका। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, खम्मा घनी। और विचार, इतने खूबसूरत विचार के बाद मेरे मन में भी, मेरे जहन में भी दुष्यंत कुमार त्यागी जी का एक कलाम आ रहा है। वो कुछ इस तरह से है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। क्या बात है। तो ये जो आसमान तक पहुंचने की बात आपने की है, उसके लिए दिलों में आग का जलना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ लोग दिखावे का काम करते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम को कभी दिखाते ही नहीं है। एग्जैक्टली। तो आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं आज के इस शो में, इनका नाम है मिस्टर विमल रांका। आप समाजसेवी हैं, विचारक हैं, जाने माने उद्योगपति हैं, रैनसन फाउंडेशन के फाउंडिंग चेयरमैन हैं, इंटरनेशनल डायरेक्टर मीज़ो हैं, ग्रीन एंड क्लीन इंडिया प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। सर, इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है सर आपका। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? बिल्कुल बढ़िया। तो समाज सेवा से आप जुड़े हुए हैं, विचारक भी हैं, सबसे पहले क्यों ना शुरुआत करें, आपकी लाइफ की फिलॉसफी जो रही है वो क्या है? देखिए, जीवन में बहुत कुछ उतार चढ़ाव देखे और जीवन में बहुत कुछ ऐसे लोगों को देखा कि उन लोगों को देखने के बाद शायद मन ही ना करे कि हम कुछ और करें, सिर्फ उन लोगों की सेवा करें। प्रकृति की सेवा सबसे बड़ी सेवा। जब हम प्रकृति की ओर देखते हैं तो आज पूरी दुनिया के अंदर ग्लोबल वार्मिंग ने ऐसा कहर ढाया है जो कि प्रकृति की देन नहीं, हमारी खुद की देन है। प्रकृति ने तो हमें बहुत कुछ दिया है लेकिन हम लोगों ने उसे संभालने की चेष्टा नहीं करी। क्योंकि आज जंगलों की तरफ अगर हम देखें तो जंगल हम काटे जा रहे हैं। एग्रीकल्चर को देखें तो हम उसे डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। क्यों? कहाँ जरूरत है? पानी, आने वाला समय अगर कोई अगला वर्ल्ड वार होगा तो वो पानी के ऊपर होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो क्यों ना हम समय रहते सचेत रहें और इन चीज़ों के ऊपर काम करें, पानी बचाएं, पेड़ पौधे लगाएं और हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन लोगों के एक नई सौगात दे कर जाएं। इसी के ऊपर हमने एक कविता बनाई है जी। इस कविता का शीर्षक है धरती, ग्लोबल वार्मिंग से छुटकारा पाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। क्या बात है। धरती माँ को हरा भरा बनाएं, धरती को खोई सौगात लौटाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं। जब तक हम पेड़ लगाएंगे और उस पेड़ की जब तक हम सही ढंग से देखभाल नहीं करेंगे, पेड़ लगाना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन उस पेड़ को एक बच्चे की तरह पाल पोस कर, चूंकि जैसे आज हमारी महिला के गर्भ में जब गर्भस्थ शिशु आता है तो हम कितनी देखभाल करते हैं और जब बच्चा पैदा होता है उसके बाद में हम और ज़्यादा डिवोटी हो जाते हैं उस बच्चे की तरफ। तो क्यों ना उस पेड़ को भी हम एक प्राणी समझकर, एक हमारे घर में आया हुआ एक नन्ना मेहमान समझकर उसकी सेवा करें। 3-4 साल 5 साल अगर हम उसकी सही देखभाल करेंगे तो आने वाले समय में वो हमारी देखभाल करेगा। आज जितनी ऑक्सीजन इन पेड़ों से हमें मिल रही है, अगर प्रकृति हमसे ऑक्सीजन की कीमत मांगने लगे तो आप सोचिए क्या होगा। अभी मैं US गया था, US में मैंने देखा कि ऑक्सीजन के पार्लर खुल गए। अच्छा, क्यों? इन चीजों की कहाँ जरूरत पड़ी है? हुँ. जब प्रकृति ने हमें इतनी बड़ी सौगात दी है फिर इन चीजों की जरूरत क्यों? क्योंकि ये सब हमारी की हुई है कि हम लोगों ने उन चीजों को सही समय पर संभाला नहीं। सभी, मेरी एक यही सोच रही है और इसी दिशा में मैं डिवोटी हूँ कि कम से कम इस प्रकृति के ऊपर जो हमने इसके साथ कुठाराघात किया है उसे संभालें और प्रकृति में पेड़ों की संख्या और जंगल को डेवलप करें। जब तक हम जंगल डेवलप नहीं करेंगे, आज हम लोग हमारे इसी जलाना एरिया की बात करें जी। हम बहुत सी बार देखते हैं कि अपने जो भी वन प्राणी है जी, वो आ जाते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि हम उनकी टेरिटरी में गए हैं, हमने उनकी टेरिटरी में जाकर हमारे घर बनाए तो वो कहाँ जाएंगे? सही बात है। तो कम से कम हम इन सब चीजों को सोचें
और इस दिशा में आगे बढ़े जी। तो जैसा कि आपने बताया, इतनी खूबसूरत आपकी सोच है, जिस तरह से आपने पूरे जीवन को एक रचना दी है और रचनात्मक रूप से आप इसको आगे लेकर के जा रहे हैं, तो ऐसे में आपका बचपन बहुत महत्वपूर्ण होगा। और बचपन में आपने ऐसी कैसी आपकी परवरिश रही, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। वो संस्कार कैसे आपने इतनी जल्दी ग्रास्प किए और आप इतना आगे बढ़े सर? देखिए, व्यक्ति अपने बचपन से ही सब कुछ सीखता है और ये सारे संस्कार बचपन से ही व्यक्ति में आते हैं, तब कुछ आगे करने की प्रेरणा मिलती है। जी जी जी। मेरा बचपन ब्यावर में बीता जी। हमारी स्कूल लाइफ जो है ब्यावर में संपूर्ण हुई। मेरे पिताजी एक शिक्षक थे। अच्छा। और उसी का नतीजा है कि हम लोग इन सब चीज़ों को बहुत इजीली ग्रहण कर पाए। क्या बात है। चूँकि हमारे पिताजी के जो पिताजी थे, मेरे दादाजी, वो जब पिताजी 3 साल की उम्र के थे तभी उनका देहांत हो गया था। अच्छा। तो पिताजी ने जिस संघर्ष से अपने जीवन को जिया और उसका निचोड़ रहा कि पिताजी जीवन भर संघर्ष करते रहे, क्योंकि बैकग्राउंड हमारा कोई व्यापारिक बैकग्राउंड नहीं था। तो जब हम कॉलेज में, जब भीलवाड़ा मेरा कॉलेज का लाइफ बीता, उसी दौरान एक आया कि क्यों ना हम भी व्यापार में कदम रखे, क्योंकि हमारे अधिकतर रिश्तेदार व्यापार में थे। लेकिन आप भी समझते हैं कि जब एक संघर्षरत व्यक्ति होता है तो उसका साथ शायद कोई नहीं देता। तो मेरी माताजी ने जो 5,000 रुपया अपने जीवन में इकट्ठा कर रखा था, जब मैंने बोला कि मेरे को व्यापार करना, तो उन्होंने वो 5,000 रुपया दिया। वो 5,000 रुपया चाहे आज के समय में कोई मूल्य नहीं रखता है, लेकिन वो 5,000 मेरे लिए उस समय में जीवन का एक अमृत में एक टुकड़ा था। जिसको लेकर हम आगे बढ़े जी। और संघर्ष करते करते कॉस्मेटिक का व्यापार चालू किया। अच्छा। टेक्सटाइल में आए और जवाहरात में आए, भारत में और विदेशों में हमने अपने व्यापार को फैलाया। क्या बात है। इसी दौरान एक सोच आई कि क्यों नहीं हम, भगवान ने जब हमें इतना दिया है, वो हमारी लिमिट से ज्यादा हमें मिला है, तो क्यों नहीं उसका उपयोग, जिस संघर्ष से हम गुजरे हैं, ऐसे ही संघर्षरत व्यक्तियों को क्यों नहीं हम उनकी मदद करें। बिल्कुल ठीक बात। और उसी दिशा में हम आगे बढ़े। क्या बात है। बहुत खूबसूरत विचार है सर। जब आपसे शो के पहले भी बात हो रही थी तो आपने बताया आपके पिताजी जो थे बहुत सिद्धांतवादी शख्स थे, और उनसे जुड़ा एक किस्सा भी था जो आपने बयां किया था, क्यों ना एक बार दर्शकों के साथ शेयर करें उसको। कि जब हम, मैं फर्स्ट ईयर के अंदर था और पिताजी डिप्टी डीओ भीलवाड़ा थे। अच्छा। एस्टेब्लिशमेंट डिपार्टमेंट उनके पास था, जिसमें ट्रांसफर्स वगैरह जो होते हैं जी, उसके जी, हेड थे जी। पिताजी का एक जनरल रूटीन होता था कि भाई जो भी, जिसको वाकई में जरूरत है और जो उसके लिए एलिजिबल है, तो उसका ट्रांसफर इजीली वो कर देते थे। एक महिला का ट्रांसफर उन्होंने किया और वो महिला एक गुलाब जामुन का डब्बा लेकर हमारे घर आई। चूंकि हम लोग यूथ थे और हमने पिताजी की अनुपस्थिति में उनके बिना उसको रख लिया। अच्छा। सीढ़ियों में पिताजी का चढ़ना हुआ, उस महिला का उतरना हुआ। पिताजी ने ऊपर आकर पूछा कि ये क्यों आई। तो हमने कहा ये मिठाई का डब्बा लेकर आई है। मानो पिताजी के का पारा जो है वो इतना चढ़ गया कि मैंने मेरे जीवन में किसी से एक पेन नहीं लिया। ये मेरा फर्ज था कि मैं उस महिला का ट्रांसफर उसकी इच्छी जगह पर कर दूं। तो उसमें मैंने कोई फेवर नहीं किया। वो तो मेरा एक फर्ज था जो मैंने निभाया है। पिताजी तुरंत दौड़कर उतरे, उस महिला को वापस वो डब्बा दिया कि जीवन में ये चीज कभी मत करना। आज से पहले क्या तुम मेरे यहाँ कभी कोई मिठाई लाई थी? नहीं लाई ने, तो अभी क्यों नहीं? मेरा फर्ज था, मैंने किया, तुम्हारा फर्ज है, तुम वहां जाकर ज्वाइन करो और बच्चों के भविष्य को देखो। बिल्कुल ठीक है। तो हमारे में जो संस्कार हैं, वो संस्कार इसी वजह से हैं कि हमने पिताजी की उस जीवन शैली को देखा और उस जीवन शैली का अंत जो था, जब पिताजी के अंत समय में उनकी जो सेवा हुई, शायद हम भी नहीं सोच सकते कि हम ऐसी सेवा उनकी कर सकते हैं। हमारे परिवार ने जो सेवा करी, ये सब उनके उन्हीं विचारों का और उसी जीवन शैली का प्रतिफल था कि वो उस चीजों को कर पाए। आपने ये इतनी खूबसूरत बात हमको बताई। आपने जैसे अपनी एजुकेशन के बाद आप कॉलेज लाइफ में आप सर आए,
तो कॉलेज लाइफ में आपके जितने भी सहपाठी थे उनके बीच में आपकी क्या फीलिंग्स रहती थी? आप कॉलेज लाइफ में किस पाथ पे जाना चाहते थे, क्या रास्ता चुनना चाहते? कॉलेज लाइफ में जब हम पढ़ते थे तो हमारे जितने सराउंड के हमारे जितने मित्र थे, चूँकि मैं साइंस फैक्टर से था जी, तो साइंस फैकल्टी के अंदर चूँकि व्यक्ति को टाइमली कॉलेज जाना होता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, तो हमारे जितने सहपाठी थे हमारा सबका एम था कि हमें डॉक्टर बनना है। एक माइंडसेट था कि डॉक्टर बनना है। पीएमटी दिया, सक्सेस नहीं हुए। तभी हमारे कुछ व्यापारिक मित्र जो थे जिनके व्यापार थे, जब उन लोगों को हम देखते थे यार ये व्यापार के क्षेत्र में ये पढ़ाई भी कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, वेरी सक्सेसफुल, तो क्यों नहीं हमें भी इस दिशा को छोड़कर उस दिशा में जाना चाहिए। तभी सोच ने एक मूर्त रूप लिया और कॉस्मेटिक फील्ड के अंदर हम लोग उतरे। कॉस्मेटिक के फील्ड में हमने बहुत ऊंचाइयां प्राप्त की। मार्केटिंग का फील्ड हमारे पास था, अनफॉर्चुनेटली कुछ सरकमस्टेंसेस ऐसे आए कि हम लोगों को उससे बैक होना पड़ा जी। फिर टेक्सटाइल के व्यापार में आए, वहां भी हमने अच्छी ऊंचाइयां प्राप्त की, लेकिन दिल में कुछ और करने की ख्वाहिश थी या प्रभु को वो मंजूर था कि हम जवाहरात के व्यापार में आए, ज्वेलरी के व्यापार में आए, और हमने ज्वेलरी के व्यापार की शुरुआत ही बैंकॉक से करी। मुझे इन दोनों बच्चों की परवरिश वो करनी जो हमारे को हमारे पिताजी ने दी है जी, आज मेरी बिटिया डॉक्टर है क्या, और मेरा बेटा मेरे साथ व्यापार में आगे बढ़ रहा है। क्या बात, मेरी बिटिया ने इंजीनियरिंग में एडमिशन दिला दिया था मैंने उसको, लेकिन उसकी एक सोच थी मुझे सेवा के रास्ते पे जाना है, मुझे इंजीनियर नहीं बनना, मुझे डॉक्टर बनना है, और आज वो राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में इंटर्न है। अरे बस, तो मेरे उसका जो सपना था जी, हमने पूरा किया। क्या बात, और उसकी जो भावना है वो भी हमारी तरह है कि मुझे सेवा के उसमें जाना है, क्या बात, मुझे अर्थ की तरफ नहीं दौड़ना है। उसे मैं बहुत सी बार कहता हूँ बेटा एमडी यूएस से कर ले या बाहर से कर ले, वो कहती पापा मुझे क्या करना है, मुझे सेवा करनी है, मैं यहाँ रहकर भी कर सकती हूँ। तो वो सेवा के भाव जो है, मैं सोचता हूँ कि मैंने मेरे जीवन में जो प्रभु ने दिया है जी, अर्थ के रूप में, उससे कहीं ज्यादा मुझे इन बच्चों के रूप में मिला है कि इन बच्चों के जो भाव हैं वो इतने शुद्ध और वैचारिक हैं। क्योंकि आपकी हमेशा विचारधारा यही रही है, समाज सेवा से आप जुड़े भी रहे हैं, तो वही चीज़ें जो हैं आपके बच्चों में भी आई हैं। दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं विचार कि आज हमारे साथ हैं मिस्टर विमल रांका, आप समाजसेवी हैं, विचारक हैं और जाने माने उद्योगपति भी हैं, बहुत सारा काम कर रहे हैं इंसानी सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए, प्रकृति सेवा से भी जुड़े हुए हैं। तो सर से बात करने के लिए आप इन नंबर्स पर डायल कर सकते हैं 0141-270-4098, 0141-270-4999, यानी 01412704098 और 2704999। तो सर ये जो समाज सेवा वाला भाव है आपने अपने पिताजी से सीखा, आपके बच्चों को भी दिया, ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया से भी आप जुड़े हैं। आप एक दिलचस्प किस्सा भी बयां कर रहे थे कि जब आप बैंकॉक से लौट करके आए तो आपको सडनली लगा कि हवा में कुछ है, प्रदूषण है, प्रदूषण का। दिल्ली में उतरते ही जब, चूंकि उस समय में राजस्थान में की डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं थी, तो दिल्ली जब उतरे एयरपोर्ट से, जब हम धोलाकुआ पहुंचे, जब धोलाकुआ उतरे और वहां से बस पकड़ने के लिए, चूंकि उस समय हम भीलवाड़ा रहते थे, तो जब बस पकड़ी तो हमें लगा कि हम किस जगह पर आए हैं, इतना पॉल्यूटेड। और जब हम बैंकॉक में घूमते तो फ्री एयर, तब ये एक फील हुआ कि क्यों नहीं इस दिशा में कुछ काम किया जाए। और तभी से हमारे मन में आया कि हमें पेड़ लगाने हैं और जीरो इमिशन की तरफ काम करना है। क्योंकि हमने बैंकॉक में देखा था कि इंडिया के अंदर नॉइस पॉल्यूशन का भी बहुत बड़ा एक रोल है, जबकि बैंकॉक में हमने देखा कि आदमी एक एक घंटा, दो दो घंटा अगर ट्रैफिक के अंदर खड़ा रहेगा लेकिन वो हॉर्न नहीं बजाएगा, और हमारे यहाँ तो एक मिनट नहीं होता है और पीछे 50 गाड़ियों के हॉर्न चालू हो जाते हैं। सब्र की कमी है, देखिए सब्र की कमी है, संस्कार की कमी है। अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, ओवरटेक करना, बहुत सारी चीजें हैं जो कमियां थी, हमने सोचा कि क्यों नहीं हम इस दिशा में काम करें। बिल्कुल ठीक है। और हमने प्लांटेशन की तरफ सबसे पहला मूव रखा। आज तक हम 5 लाख पेड़ पूरे भारत भर में लगा चुके हैं। क्या बात है सर।
और उनमें से 4 लाख लाइव हैं, अप्रोक्स 4 लाख के आसपास लाइव है। वही हमारा सबसे बड़ा अचीवमेंट है कि हमने 4 लाख बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। बहुत खूबसूरत। 1 लाख अनफॉर्चुनेटली मर गए, लेकिन हमने उनकी जगह तुरंत रिप्लेस करके नए पेड़ लगाए। प्रोसेस लगातार जारी है। प्रोसेस जारी है और आज भी हम लगातार काम करते रहते हैं। भीलवाड़ा से लेकर जयपुर की जो रेलवे पटरियां हैं, उस पूरी रेलवे पटरी के बीच में हमने, हमारा एक टारगेट रहता है, मिस्टर लोढ़ा जो DFO थे भीलवाड़ा, अनफॉर्चुनेटली उनकी पिछले साल डेथ हो गई है, उनके द्वारा हमारे को एक ऐसा विजन मिला कि नीम की निम्बोली से पेड़ को उगाना। अच्छा। और पूरे भील चित्तौड़ से लेकर जयपुर के बीच में जितनी भी रेलवे पटरियां, रेलवे पटरियों की से 20 फीट की दूरी पर हमने निम्बोली को ग्राउंड में डाला, प्लांट किया। अच्छा। और उस प्लांटेशन के बाद में आज 5 साल के बाद कम से कम 30,000 से 40,000 पेड़ लग चुके हैं। बहुत उम्दा। दूसरा हमने एक प्रोजेक्ट लिया था बरगद का पेड़। सर आपको रोकेंगे बीच में, विचार एक्चुअली एक फोन आ गया आपके लिए, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभी रांका है। स्वागत है आपका धरती धोरारी में। थैंक यू सो मच। ही इज माय फादर। अच्छा, तो आपके सुपुत्र फोन लाइन पर हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? सर मेरे फादर ने अपनी लाइफ में बिजनेस हो या सोशल लाइफ हो या फैमिली हो, उसको इक्वली टाइम दिया है, यूनिटी से आगे उसको बढ़ाया है। जी। इन्होंने अपनी लाइफ में काफी अप डाउन देखे, कभी हारे नहीं है। और कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव बढ़ते गए और हमें सिखाया कि कैसे लाइफ में स्ट्रगल को देखा जाता है, उसे फेस करा जाता है। जी जी। लाइफ में सोशल अचीवमेंट्स काफी प्राप्त करे, अपने परिवार और समाज का नाम आगे बढ़ाते रहे, बढ़ा रहे हैं। फिर वो ग्रीन इंडिया का प्रोजेक्ट हो या समाज को आगे बढ़ाने का हो, तो यही हमें सिखाते हैं स्टार्टिंग से कि कैसे सच्चाई से आगे चलना चाहिए और समाज को जितना भी काम कर रहे हो उसमें समाज को अपना पूरा सपोर्ट दें। बिल्कुल ठीक बात है। तो अपने पिताजी की कोई एक बात जो आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगती हो? फादर की सबसे अच्छी बात मुझे, पॉजिटिव आगे बढ़ते रहो, भले कैसा भी पैसा हो, कैसा भी टाइम आए, उसमें आगे बढ़ते रहो, टाइम चले जाएगा लेकिन आप आगे बढ़ते रहोगे। क्या बात है। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से? इस मंच के माध्यम से मैं सभी युवाओं को एक ही आह्वान करूंगा कि संस्कार युक्त बने और एक फीलिंग्स अपने मन में लाए अपने से नीचे वाले लोगों के लिए। हमारे से ऊपर ना देख, ऊपर बढ़ने के लिए ऊपर देखें, लेकिन उन लोगों को अपने साथ रखें जिन लोगों को इसका अभाव रहा है। उनकी उंगली अगर आप पकड़ेंगे तो हो सकता है उनका भी जीवन संवर जाए। क्या बात है। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, कनेक्ट होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो सर फोन कॉल से पहले आप बता रहे थे अपने ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मूवमेंट के बारे में। तो 5 लाख पेड़ों में से 4 लाख अभी लाइव हैं। हमारी मुहिम अभी भी जारी है और हमारा टारगेट है कि कम से कम 1 से 1.5 करोड़ पेड़ हम लोग लगाएं। दूसरा हमारा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है महावीर स्मृति वन। अच्छा। क्योंकि भगवान महावीर के सिद्धांतों के अनुसार अहिंसा एक सबसे बड़ा मूल सिद्धांत है और अहिंसा को हम जब ही अपना सकेंगे जब हम उन पेड़ों की रक्षा कर पाएंगे। बिल्कुल अच्छी बात है। पेड़ों की रक्षा तभी होगी जब उनका देखभाल एक बच्चे की तरह करेंगे। और हमने स्मृति वन का प्रोजेक्ट इसीलिए लिया है, उसके अंदर 3 पेड़ों को मुख्य रूप से हमने जोड़ा है, नीम, पीपल और बरगद। बरगद की उम्र सबसे ज्यादा होती है जी। और राउंड द क्लॉक वो भी ऑक्सीजन रिलीज करता है। आपने देखा होगा पेड़ों के बारे में जी। कभी भी जब जिक्र आता है तो पीपल के पेड़ को काटने से बचते हैं, रिलीजियस में हम लोग एक रिलीजियसली मना करते हैं कि पीपल के पेड़ को नहीं काटना है। क्या क्यों ऐसा रिलीजियस पॉइंट उसके साथ जोड़ा? हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारी जो पिछली पीढ़ियां थी, बहुत ही समझदार थी। चूंकि पीपल का पेड़ राउंड द क्लॉक ऑक्सीजन
रिलीज करता है, इसलिए उन्होंने सोचा कि इसको अगर रिलीजियस पॉइंट के साथ हम जोड़ देंगे तो व्यक्ति इसको काटने से डरेगा, बचाव हो जाएगा, तो इस पीपल के पेड़ का बचाव होगा, और पीपल के पेड़ का बचाव होगा तो ऑक्सीजन का रिलीज जो है वो राउंड द क्लॉक रहेगा। क्या बात है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि नीम, पीपल और बरगद ज्यादा से ज्यादा लगाएं। हमने एक और प्रोजेक्ट पिछले साल लिया था कि किसानों को इस दृष्टि में, इस चीज में आगे बढ़ाएं, क्योंकि किसान इस फील्ड से जुड़ा है, तो किसान क्यों लगाएगा। तो हमने उसे कहा कि भाई 10 पौधे हम तेरे को फल के देंगे और उसके साथ में 20 पौधे हम तेरे को ये देंगे, 10 पौधों से तेरा अर्थोपार्जन होगा और 20 पौधों से इस प्रकृति को अपनी खोई हुई में मदद मिलेगी सर जी, इस धरती माँ का जो कर्ज है वो चुका पाओगे जी। बहुत सक्सेस रहा, करीबन 1000 किसानों तक हम पहुंचे और हमारा टारगेट है अगले 10 साल के अंदर हम 500 से 1000 किसानों को इसके साथ जोड़े। हम किसी को प्रेस नहीं करते, वो सामने वाला अपने भावों से आता है और उस काम को अपने हाथ में लेता है। आपने जिस तरह से बताया सर, इतना नेक कार्य आप कर रहे हैं, इतने बड़े पैमाने पर ये काम हो रहा है, तो ऐसे में दर्शक भी ये सोच रहे होंगे कि अगर वो भी इस पुनीत कार्य से जुड़ना चाहें तो आपकी ये जो टीम है सर वो कैसे काम करती है और इसमें जुड़ने के लिए क्या किया जा सकता है। देखिए, हम प्लांटेशन के इस सीजन में, चूंकि अभी मानसून सत्र है, मानसून सत्र में सबसे ज़्यादा प्लांटेशन होता है। हम लोग मीसो के अंतर्गत अभी हमारा जो प्लांटेशन का कार्यक्रम है पूरे राजस्थान में चल रहा है, पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है, पूरे उड़ीसा के अंदर चल रहा है। अच्छा, राजस्थान में अभी मीसो की हमने लॉन्चिंग नहीं करी है, मीसो की लॉन्चिंग हम अक्टूबर में करेंगे। हमारे और भी प्रोजेक्ट उसके साथ में, आई विजन का भी है, बेबी केयर का भी है, तो और कैंसर डिटेक्शन का भी हमारे पास, इन सब चीज़ों की हमने वैन्स बना रखी हैं, मोबाइल डिटेक्शन वैन, जो कि गाँव, चूँकि इन चीज़ों का गाँव में सबसे बड़ा, क्योंकि गाँव तक ये सारी चीज़ें पहुँच नहीं पाती है, बिल्कुल, तो हम गाँव वालों को हमारे साथ जोड़ते हैं और उन लोगों को, चूंकि ये सारी चीजें एक अकेली व्यक्ति की, अकेला व्यक्ति कर भी नहीं सकता है, इसलिए हम एक टीम हर जगह बनाते हैं, 15 से 20 आदमी की डेडिकेटेड टीम, जिसके मन में भाव हो कि मुझे कुछ करना है समाज के प्रति, उन लोगों को जोड़ते हैं और वहाँ हम इन कार्यों को करते हैं। अनामिका जी, जिस तरह से सर बता रहे हैं सचमुच इतना इंस्पिरेशनल है, मैं तो सुन सुन के मुझे लग रहा है कि कितना आपकी जो सोच है कितनी डायनामिक है और आप कितने क्षेत्रों में लोगों के जनहित के लिए काम कर रहे हैं और आपकी रीच जो है वो गांव तक है, तो गांव तो हमारा जीवन है, गांव के बिना हम वैसे भी कुछ नहीं है। तो ऐसे में आपको लगातार कुछ लोग भी मिलते होंगे और आपको कहते होंगे कि भाई आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये प्रेरणा आपको लगातार कैसे मिलती रहती है, इसको संचार आप इसका कैसे जारी रखते हैं। देखिए, मैं अभी आपको बताऊं कि हमने पिछले साल ही, अभी रिसेंट की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जी, कि मोबाइल, आज आप चाहे, मैं भी उससे अछूता नहीं हूँ, पूरी दुनिया में हर व्यक्ति सुबह जब से उठता है और रात को जब तक सोता है जी, उसमें से 24 घंटे में से 18 घंटे वो मोबाइल का यूज करता है। ठीक कह रहे हैं सर। बिल्कुल, क्यों? क्योंकि 18 घंटे इसलिए बोल रहा हूँ कि सोते समय भी वो अपने तकिए के नीचे ही उसको मोबाइल को रखता है और उसकी रेस से कानों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, और 8 घंटे तो मोबाइल को सीधा कान के पास ही रखता है, तो हियरिंग प्रॉब्लम जो है वो सबसे ज्यादा बढ़ी है और बढ़ेगी। इसके लिए हमने एक हियरिंग की स्क्रीनिंग टेस्ट की एक वैन बनाई है, मोबाइल डिटेक्शन वैन, उसके अंदर हम स्क्रीनिंग करते हैं कि व्यक्ति के कान कहाँ तक डैमेज हुए, पर्दा सेफ है या नहीं है, या इस पर्दे में और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या आ गई हैं। हमने पिछले साल ही इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया स्क्रीनिंग का, एक कैंप के अंदर 700 डिटेक्शन हमने किए हैं। क्या बात है। और यही मुहिम हमारी जारी है। ऐसे ही हमने आई विजन के क्षेत्र में बहुत काम किया है। आई विजन में हमारा वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने बनाया है और उसमें 12,035 चश्मे एक कैंप में हमने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन किया है और 22,000 स्क्रीनिंग करी है। तो जैसे आप हियरिंग स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में बता रहे हैं, तो उसमें भी जो लोग सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं, उन्हें हियरिंग एड भी आप प्रोवाइड कराते होंगे? प्रोवाइड करवाते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। हमारे पास बहुत से ऐसे डोनर्स हैं जो कि इन चीज़ों के, देखिए जब हम, आप सही काम करेंगे, सही दिशा में, सही सोच के
साथ काम करेंगे तो डोनर की हिंदुस्तान में कमी नहीं। लोग जुड़ते हैं सर, आप लोग अपने आप आगे आकर जुड़ते हैं और कहते हैं कि हमें भी इस मुहिम से जुड़े। अच्छा काम करने वाले लोग मौजूद हैं दुनिया में। कैंसर डिटेक्शन वैन की मैं आपको बताऊं कि पूर्व सरकार के 3 साल जब कंप्लीट हुए थे तो जोधपुर में एक कैंप रखा गया था स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। अच्छा। और उससे 15 दिन पहले ही मेरी कैंसर डिटेक्शन वैन वहां पर कैंप करके आई थी जोधपुर में। अच्छा। तो संभागीय आयुक्त ने कहा ये वैन तो हमें वापस चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मेरा मन नहीं था कि 15 दिन के बाद ही वापस वैन को एक और कैंप के लिए वहां भेजी जाए, लेकिन जब उनका पूरा आग्रह रहा और एनएचएम की टीम ने भी कहा कि सर ये जरूरी फ्रूटफुल रहेगी यहाँ के लिए, तो हमने वैन को वहां भेजी। अच्छा। मैडम ने उसका इनॉग्रेशन किया और पूरे दिन कैंप चला, कोई भी डिटेक्शन नहीं रहा। तो हमारी जो महिला विंग वहां लगी हुई थी काम पर, तो हमने कहा जब गरा ही गंगा है क्या बात, तो क्यों नहीं आप भी इसका लाभ लें और मेमोग्राफी कराएं। क्या बात है। दो महिलाएं जो इस दायरे में नहीं आती थी, जो 35 साल के करीब थी, चूंकि 40 साल से ऊपर की मेमोग्राफी अलाउ है, हमने कहा आप भी करा लें। मेरे जीवन का एक ऐसा पल कि मेरे जीवन में मैंने एक लाइफ को सेव किया उस 35 साल की महिला के, अपनी बोर की गुठली, जो छोटी बोर की गुठली होती है उतना सा लंब डिटेक्ट हो गया। मैं मानता हूं कि मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा कार्य उस दिन संपन्न हुआ कि जिस कैंप को मैं नहीं ऑर्गेनाइज करना चाहता था और उस प्रभु की इच्छा थी कि उसका डिटेक्शन होना था और उसकी लाइफ सेव हो गई और वो विद इन 1 मंथ क्योर हो गई। तो ये मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा इस कैंसर डिटेक्शन के रूप में मुझे एक प्रतिफल मिला। सचमुच सर, यही मैं चाहता हूँ कि गांव में इस तरह की बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं और हम कैंसर के दिशा में साफरा भीलवाड़ा के अंदर हमने कैंप किया था जी। आज तक हमारे कैंपों में गिनती के डिटेक्शन हुए हैं, लेकिन वहां तो डिटेक्शन की लाइन लग गई। अच्छा। क्योंकि तंबाकू खाने वाले लोग बहुत हैं उस एरिया में। 12 पेशेंट ऑलरेडी जिनका इलाज चल रहा था, लेकिन वो लोग इलाज लेते नहीं थे और वापस जब डिटेक्शन करवाने आए, जब उनका टेस्टिंग हुआ तो मालूम चला कि उनकी बीमारी 3 गुना बढ़ चुकी है, उनकी 3rd stage आ चुकी है। अच्छा। तो मेरा सभी से कहना है कि तंबाकू छोड़ें, पान मसाला गुटखा छोड़ें और अपने जीवन को स्वस्थ बनाएं और कैंसर से मुक्त हों। बिल्कुल ठीक बात है। और सर आपसे बातचीत जारी रखें, अनामिका एक कॉल ले लेते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो 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 जी, स्वागत है आपका धरती धोरारी में। जी जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप, अपना नाम बता दीजिए। रायपुर छत्तीसगढ़ से लोकेश कावड़िया। अच्छा लोकेश जी, स्वागत है आपका। जी जी धन्यवाद जी। आज राका साहब मौजूद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद जी। लोकेश, विमल रांका जी हमारे सामने बैठे हैं, आप कुछ कहना चाहते हैं इनसे? हाँ विमल रांका जी, आप महावीर इंटर कॉन्टिनेंटल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के अंतरराष्ट्रीय डायरेक्टर हैं और आपने 4 लाख पेड़ जिंदा रखे हैं। मैं चाह रहा था कि आपका लक्ष्य क्या है, पूरे देश के अंदर इस तरह से कितने पेड़ लगा सकते हैं आप? तो आपके लक्ष्य के लिए पूछ रहे हैं, आगे क्या लक्ष्य है? लोकेश भाई, हमारा लक्ष्य 1 करोड़ पेड़ का है। अच्छा। आप लोगों का साथ है हमारे, तो हमें किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी और हम तो आपसे मोटिवेशन लेते हैं कि आप जिस ढंग से काम करते हैं हम भी उसी ढंग से काम करें। छत्तीसगढ़ में भी हमने 1.5 लाख पेड़ लगा चुके हैं। क्या बात। लेकिन हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि बराबर हम कम से कम हर साल 5 से 10 लाख पेड़ लगाएं और उसमें सरकार साथ देवे तो निश्चित तौर पर हम इस लक्ष्य को अचीव कर लेंगे। बिल्कुल, आप जरूर इस जरूर हमारा अच्छा साथ आपके करेंगे। साथ है लोकेश जी, बहुत शुक्रिया हमसे कनेक्ट होने के लिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। विचार दर्शकों को एक बार फिर से बता देते हैं कि विमल राका जी आज हमारे सामने बैठे हैं, समाज सेवी हैं, विचारक हैं, जाने माने उद्योगपति हैं और प्रकृति सेवा से जुड़ा बहुत ही खूबसूरत काम आप कर रहे हैं। सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि विमेन एम्पावरमेंट के डायरेक्शन में भी आप बहुत काम कर रहे हैं, आपने जैसे कैंसर डिटेक्शन मोबाइल वैन स्टार्ट की है, लोग स्क्रीनिंग के लिए आ रहे हैं, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में स्पेशली आप
आपने महिलाओं के उत्थान के लिए भी काम किया। छत्तीसगढ़ के अंदर जब हमने देखा कि आदिवासी एरिया बहुत है और वहाँ रोजगार की कमी है, तभी हमारे दिमाग में आया कि छत्तीसगढ़ के अंदर बस्तर जो एरिया है वहाँ पर इमली बहुत होती है, काफी बैकवर्ड एरिया है सर, बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, नक्सली एरिया है। जी जी जी। तो क्यों नहीं वहाँ की औरतों को हम उस इमली के द्वारा बनाए गए उत्पाद वो लोग बनाकर बेचे। तो चूंकि जब ये आया कि ये औरतों को हम सिखा देंगे बना देगी लेकिन उसको बेचने कहाँ जाएगी, बिल्कुल, तो हमने एक कंपनी के साथ में मार्केटिंग टाई अप कराया उनका और उन औरतों को 500 परिवार को हमने इसके साथ में जोड़ा। दूसरा, हमने सडन उसी समय दिमाग में आया कि 500 परिवारों को तो जोड़ दिया है, बाकी के और भी परिवार हैं उन्हीं में से कुछ औरतों को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ भी जुड़ी हुई थी, उन्होंने कहा हमें कम से कम 500 से 1000 परिवार को हम लोग हमारे साथ जोड़ सकते हैं। तो हमने आम की कतली, अच्छा, आम की कतली बनाना उनको सिखाया, क्योंकि आम पापड़ पूरे हिंदुस्तान में फेमस है। तो उन लोगों ने आम की कतली बनाई और आज हाल यह है कि जो 5 किलो से चालू किया गया था काम, आज 1.5 लाख किलो पर ईयर का उनका प्रोडक्शन रहता है, क्या बात, और 1000 से 1500 परिवार इससे जुड़े हुए हैं और मार्केटिंग के लिए वही उन एक कंपनी को लाकर दे देते हैं, वही उनको आगे मार्केटिंग करता है। तो उन लोगों को बेचने की कहीं दिक्कत नहीं हुई, 1500 परिवारों को रोजगार मिला। और इसी दृष्टि से हम लोग आगे भी काम कर रहे हैं, राजस्थान में भी इस मुहिम को हम चलाना चाहेंगे। इसके लिए हमने एक योजना बनाई है माँ, अच्छा, MAA, महिला आधार अनुष्ठान, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। इसी के तहत हम स्वरोजगार के अवसर, जो डेली रूटीन की चीजें जो हम घर में काम लेते हैं जैसे मसाले हुए, पापड़ हुए, मंगोड़ी हुई, क्योंकि आज आर्थिक युग है, आज की जो यूथ महिलाएं हैं, पहले तो घर में बनती थी ये सारी चीजें, आज ये चीजें घर में नहीं बनती। सही कह रहे हैं सर। तो क्यों ना उन महिलाओं के द्वारा ऐसे उत्पाद बनवाकर, क्योंकि शुद्धता की गारंटी रहेगी, महिलाएं अपने घर में बनाएगी। और हमने तो राजस्थान सरकार से भी हम आह्वान करते हैं कि हमारे को एक फूड इंडस्ट्री के लिए छोटा सा एक एरिया प्रोवाइड करा दे, तो हम इन कुटीर उद्योगों को एक जगह पर ही प्रोडक्शन करवाएं, ताकि उन महिलाओं में भी एक एंटरप्रेन्योर की फील आए, उन्हें ये नहीं लगे कि मैं केवल मजदूरी कर रहे हैं, उन्हें एक एंटरप्रेन्योरशिप का फीलिंग आए। तो इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं और 25 प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट कर रखे हैं जो कि अक्टूबर के बाद में हम राजस्थान में लॉन्च करना चाहेंगे और इन औरतों को हमारे साथ जोड़कर, और एक मार्केटिंग कंपनी से भी हमारी बातचीत चल रही है ताकि उन लोगों का प्रोडक्शन जो है वो उनको बनाकर दे सके। जैसा कि आपने इतनी रोचक बात बताई, और कहते हैं ना कि काम बोलता है, तो आपका काम अपने आप ही सर इतना बोलता है कि सरकार को तो जगह देनी ही होगी और उसके पीछे लाखों लोग जो जुड़े हुए हैं। और आपने जैसे बताया कि बस्तर जैसे एक बैकवर्ड एरिया में जाकर के आप वहां जाकर के लोगों को उत्थान कर रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, लोगों को मोटिवेट करने में भी हमें बहुत दिक्कत आई, क्योंकि वहाँ का जो माहौल है जी, वो माहौल बिल्कुल अलग है, उन लोगों की सोच बिल्कुल अलग है। जी जी जी। तो उनमें से बहुत से परिवारों को पहले हम लोग रायपुर लेके आए, तो रायपुर में जब उन लोगों ने उन चीजों को देखा, तो वो लोग हमारे साथ जुड़े। और थोड़ा मानसिक रूप से आपने तैयार भी किया होगा। मानसिकता है तो देखिए क्या होता है, अभाव है तो बताना जरूरी हो जाता है। देखिए नक्सली एरिया है पूरा, आदिवासी एरिया है, उन लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है। तो ऐसे एरिया में जाकर काम करना एक बहुत टेढ़ी खीर है, लेकिन वहाँ हमें प्रभु की कृपा रही और हमारी सही सोच, शुद्ध मन से हमने उस काम को किया, हमें सफलता मिली। इतनी सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, कई संस्थाओं से आप जुड़े हुए भी हैं, कई चैप्टर्स से आप जुड़े हुए हैं, तो लगातार ये जो एक जुड़ाव का एक प्रोसेस है, ये वाकई में एक रचनात्मकता को दर्शाता है। और इसी से आप अपने विजन को और ब्रॉड कर पाते हैं, आप और मास तक पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में आपको किस तरह का रेस्पॉन्स मिलता है, लोग निरंतर आपसे मिलते होंगे तो कहीं ना कहीं अपने प्रोजेक्ट्स भी शेयर करते होंगे कि यार मेरी भी ये बात है। तो ऐसे में आप फ्यूचर में क्या प्लान करते हैं सर, इन द कमिंग 5 ईयर्स आप कहाँ देखते हैं अपनी संस्थाओं को, जिसको दिशा में आप आगे ले जा रहे हैं? मेन मोटिव प्रकृति है और वुमेन एम्पावरमेंट है। चूँकि हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य को देखें तो आज भी राजस्थान में गांवों की स्थितियां विकट हैं, वहाँ आज भी औरतों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है।
हम चाहते हैं कि जो नई पीढ़ियां गांवों की है, आज जो गांवों से शहरों की तरफ पलायन हो रहा है, हम चाहते हैं वो ना हो। व्यक्ति घर में बैठे बैठे इन चीजों को एक एंटरप्रेन्योर की तरफ अपनाए और वहीं कुछ ऐसे उत्पाद बनाए कि उन चीजों को वो इंटरनेशनल मार्केट तक ले जा सके। ये फील मेरे को आई थाई गवर्नमेंट से। अच्छा। क्योंकि मैं थाईलैंड रहा जी। और जब देखा कि वहाँ की डीईपी किस ढंग से काम करती है, वो छोटे छोटे उद्योगों को सीधा इंटरनेशनल मार्केट पे ले जाती है लोकल मार्केट के बनिस्पत, तो क्यों ना हम ऐसे उत्पादों को इंटरनेशनल मार्केट में डायरेक्ट कनेक्ट करें और उन चीजों को, उन व्यक्तियों को, उन महिलाओं को, उन महिलाओं के ग्रुप को एक एंटरप्रेन्योर की फील दे। समय बहुत कम रह गया है, जैसे आपने बताया हियरिंग एड आप प्रोवाइड कर रहे हैं, कैंसर डिटेक्शन की दिशा में काम कर रहे हैं, आप साथ साथ ब्लड डोनेशन ड्राइव से भी जुड़े हुए हैं। ब्लड डोनेशन ड्राइव में मैं पिछले 4 साल से जुड़ा हूँ। हमारे कुछ मित्रों का एक बहुत बड़ा समूह है जो कि पूरे हिंदुस्तान में मात्र एक कॉल या एक व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा किसी भी व्यक्ति को कहीं भी हेल्प करने को तैयार है। क्या बात है। 365 डेज की हमारी मुहिम भी चलती है। हमारे यहाँ कुछ मित्र हैं, उन्होंने इस ड्राइव को चला रखा है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम एक जान बचा सके, हमारा ब्लड किसी के काम आ सके, इससे बढ़िया कोई बात हो नहीं सकती। इसी दृष्टि में हम लोग अभी रोको थैलेसीमिया पर भी काम कर रहे हैं। अच्छा। जो कि इस समय की एक बहुत बड़ी मांग है। राइट। और थैलेसीमिया के बहुत से पेशेंट हिंदुस्तान में डिटेक्ट है, उन लोगों को इस दिशा में सहायता करें, यही हमारा एक लक्ष्य है। सर आप शो में आए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। विचार सर हम खुद इतना अच्छा फील कर रहे हैं और कुछ एनर्जी हम आपसे लेकर के आगे जाएंगे और हम भी 4 लोगों को मोटिवेट कर सके ऐसी हम कोशिश करेंगे। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए सर, मेरा सभी दर्शकों से एक ही आग्रह है जी कि कम से कम जीवन में 10 पेड़ जरूर लगाएं जी। बिल्कुल ठीक है सर। तो सर आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा, आज के शो में विचार इजाजत लेते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और दर्शकों मुझे लगता है जाते जाते मुकेश साहब का एक गाना है मुझे याद आ रहा है, गा के तो नहीं सुनाऊंगी, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो विमल राका जी से मिलकर के यही फीलिंग आज मुझे हुई है, विचार को भी हुई है, हम उम्मीद करते हैं आपको भी ऐसा ही लगा होगा। आज के लिए दीजिए इजाजत अनामिका को, और नमस्कार। मैं